अस्सलाम वालेकुम। समर्स ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअल में ये ईद के पहले से ड्रेस थे जो मैंने स्टिच कर कर रखे थे, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से अब इस ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और इन ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग देखनी। बहुत यूनिक समर्स ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बहुत प्यारे, बहुत यूनिक से डिज़ाइन थे सब के सब। मैंने बहुत स्टाइलिश ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग की थी और मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो करते हैं जी, ड्रेस नंबर 1 से स्टार्ट हमने, ठीक है। सबसे लास्ट में जो ड्रेस होगा ना, उसकी डिज़ाइनिंग कोई होए वाली है। बहुत कमाल ड्रेस की डिज़ाइनिंग है। और सबसे पहले ये देख ले, ये एक प्लेन शलवार थी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इस टाइप से जो है ना, इसके ऊपर पिंटिक्स डाली हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से हमने इसके ऊपर जो है ना पिंटिक्स डाली हैं। और इस पर कोई पैच वगैरह, कोई लेस वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ नहीं ऐड की। ये बहुत सिंपल सा और यूनिक सा जो है ना डिज़ाइनिंग मैंने जो है ना इसकी बनाई थी शलवार की। अच्छा जी, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आई होप कि मुझे 1 मंथ हो गया है कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो इसका भी कोई रीज़न होगा। वेरी वेरी सॉरी माय ऑल सब्सक्राइबर। और इसकी आपने शर्ट देखनी है जी, ये देखिए वाइट कलर की। इसमें मैंने लेस जो है ना ऐड की है और इसके ना चौक पर मैंने इस तरीके से बॉर्डर जो साइड से होता है ना, साइड पर बॉर्डर, वो मैंने इसके ना साइड पर जो है ना ऐड किया है, बॉर्डर मैंने स्टिच किया। अगर इस टाइप से आपने बॉर्डर लगाने की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे भी मैंने इसके वाइट लेस लगाई थी और चौकों पर इस तरीके से मैंने पट्टी लगाई थी, जो बॉर्डर से पट्टी लगती है। अगर आपको ये लगाने का तरीका नहीं आता तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है वीडियो, वो देख सकते हैं वहाँ से। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये देखिए, इसकी कॉर्नर जो थे ना, बहुत नीटली बने थे। इस तरीके के कॉर्नर बनाने के लिए आपने वो वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। और वीडियो ना अपलोड करने का भी जो है ना कोई रीज़न था, तो वेरी वेरी सॉरी माय ऑल सब्सक्राइबर। तो आपने कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना किस किस ने मेरी वीडियो का वेट किया। अच्छा, ड्रेस नंबर 2 की बारी आ जाती है। ड्रेस नंबर 2 में क्या था जी, ड्रेस नंबर 2 में भी इसकी शलवार की जो है ना, शलवार कैप्री स्टाइल थी, ठीक है। इसमें भी बहुत हल्की सी जो है ना डिज़ाइनिंग की थी। इस पर भी कोई लेस, कोई पैच वगैरह ऐड नहीं था, ठीक है। इसमें ये देखिए पिंटक्स डाले हुए हैं इस तरीके से। उसके पिंटक्स अलग तरीके से डाले हुए थे और इसके पिंटक्स अलग तरीके से डाले हुए थे। दोनों के अलग अलग थे, सेम नहीं थे। तो इस पर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग। अच्छा जी, अब चलते हैं जी इसकी फ्रॉक की तरफ। तो इसकी फ्रॉक आपने देखनी है जी। इसकी फ्रॉक देखिए, इसमें जो है ना, ये एक ही जो है ना कलर का जो था ड्रेस, ठीक है। इस पर पिंक कलर की जो है ना लेस ऐड की गई थी और इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। कुछ इसका गोल मैंने नेक बनाया था और उस पर पाइपिंग कर दी थी। यहाँ पर भी लेस ऐड की है, ठीक है, और बाजू पर भी लेस ऐड की है, ठीक है, पिंक कलर की, और नीचे भी। और ये देखिए, इसमें मज़े का जो काम है ना, वो यहाँ पर है, ठीक है। इस फ्रॉक में ये बहुत प्यारी फ्रॉक डिज़ाइन है। आपने ना नीटली चीज़ों को देखना है और डीपली जो है ना समझना है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसके ना पिंटक्स डालने हुए थे, ठीक है। मैंने इस पर जो है ना चुंटे डालकर, तो इस तरीके से इसको मैंने तैयार किया था फ्रॉक को। ये भी बहुत प्यारा, बहुत स्टाइलिश फ्रॉक लगता है, बहुत स्टाइलिश फ्रॉक था। ये भी न्यू डिज़ाइन है जी, न्यू आइडिया है। आपने ज़रूर इनमें से आपको जो पसंद आया वो भी आपने मुझे बताया। अच्छा जी, ये फैब्रिक था कॉटन। पहले वाले 2 फैब्रिक थे लीलन के, ठीक है। कॉटन पर हमने डिज़ाइनिंग किया, बिल्कुल ये रेडीमेड स्टाइल था, ठीक है, रेडीमेड स्टाइल था। इसके ऊपर मैंने जो है ना स्टिच भी जो स्टिक कर दी थी। और ये देखिए, ये लेस है जी, बेसिकली ये बाज़ार से आपको मिल सकती है इजीली। तो ये लेस थी शफून की, इसे जो है ना टिश्यू की लेस कहते हैं, ये लेस थी। तो और मैंने इसके ऊपर 5-5 जो है ना बिल्कुल सीधे पिंटक्स डालकर और नीचे 5-6 पर लेस लगा दी। तो ये एक डिज़ाइनिंग बनकर बहुत यूनिक सी रेडी हो चुकी थी। अब चलते हैं जी मेन हमारे फ्रॉक की डिज़ाइनिंग पर। मेन हमारे फ्रॉक की क्या डिज़ाइनिंग है, आपने ना बहुत इसे ना समझना है इस पॉइंट को, ठीक है। ये देखिए, नीचे भी इसके ना सेम उसी तरीके से लेस लगाई गई टिशू की, सिल्वर कलर में लेस है, कॉटन फैब्रिक है इसका। और इसके स्लीव्स जो थे ना, वो बहुत मज़े के बने हुए थे, तो स्लीव्स पर भी लेस आगे ऐड की है। और यहाँ पर हमने मगजी बाज़ार से बनी हुई, वो भी सिल्वर कलर में, वो जो है ना हमने लगा कर और उसके दरमियान में ब्लैक कलर के मोती लगा दिए हैं, ठीक है। या इसकी जो ये चुंटे देखे, ये बहुत भर भर कर बड़ी बड़ी डाली हुई है ताकि खूबसूरती इसमें मज़ीद आए, ठीक है। और नेक इसका देखें, यहाँ से कट लगा कर इसके अंदर जो है ना मोती लगाई है।
और आवाज़ मेरी थोड़ी नीटली नहीं आ रही, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो ये देखिए दूसरा स्लीव्स। अच्छा, इसकी जो है ना, हमने ना पेटी बनाई है ना, इसको पेटी कहते हैं, ठीक है, इसको बॉडी भी कहते हैं। इसकी जो हमने बनाई है ना, वो हमने ना बॉक्स शेप में जो है ना पिंटक्स डाल डाल कर उसके अंदर भी हमने मोती लगा दिए हैं, ठीक है। ये इसकी फाइनल और फुल लुक देख लें आप, बहुत प्यारा, बहुत स्टाइलिश, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल। आपने ज़रूर इसे पिक करना है इस डिज़ाइन को, और ज़रूर अपने ड्रेसेस पर ये डिज़ाइन बनाने हैं। बहुत प्यारे डिज़ाइन थे, बहुत यूनिक डिज़ाइन थे। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होपली कि आपको ये डिज़ाइनिंग ड्रेसेस के पसंद आए होंगे, और इसमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं होता काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये थी जी आज की हमारी वीडियो, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये सब ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, मैंने आपको 3 ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग दिखाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई ऑल सब्सक्राइबर, माई ऑल यूट्यूब फैमिली।